हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको पता है कि नवरात्रि एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बल्कि कल्चरल फेस्टिवल है। हमारे कल्चर में सृष्टि यानी नेचर को भगवान माना जाता है बिकॉज ऑल लाइफ फॉर्म्स शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सन मून एंड ऑल द प्लैनेट्स, और इसीलिए हमारे सारे फेस्टिवल्स फुल मून या न्यू मून डे पर होते हैं। नवरात्रि उत्सव जो है ये महालया अमावस्या के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। इस दौरान पृथ्वी पर सूरज की रोशनी कम हो जाती है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिस वजह से पृथ्वी की फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाती है, और ये 9 दिन हम इसी फेमिनिन एनर्जी को सेलिब्रेट करते हैं। टुडे वुमेन हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स बिकॉज देयर इज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। हमारे भारत वर्ष पर बहुत सारे हमले हुए हैं और हमारी ओरिजिनल संस्कृति बहुत सारे इन्वेजन्स के कारण इन्फ्लुएंस हो चुकी है। ओरिजिनली भारत में औरतों को बहुत इज्जत दी जाती थी, इनफैक्ट औरतों को मर्दों के बराबर नहीं बल्कि श्रेष्ठ समझते थे। आज भी भारत में जब औरतों को और मर्दों को एड्रेस करते हैं तो देवियों और सज्जनों कहते हैं। मर्दों को एक आम आदमी का दर्जा दिया जाता है और औरतों को देवी का दर्जा, और ये इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज ये जानते थे दैट वुमेन हैव अ लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी of bearing and raising the children. She is responsible for the next generation. वो responsible है हमारे values, हमारे culture, हमारी संस्कृति और हमारे time tested recipes को pass on करने के लिए। और इसीलिए औरतों को कहते थे कि आप घर पर रहकर सबसे important काम करें। और क्योंकि उस जमाने में physical काम ज्यादा हुआ करते थे और मर्द masculine होने के कारण उनकी फिजिकल ताकत ज्यादा हुआ करती थी, तो वो बाहर भी काम करते थे जैसे वो खेतों पर काम करते थे। ओवर द इयर्स दिस वाज मिसअंडरस्टूड दैट औरतें बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं बिकॉज वो सेकंड फील्ड है। औरतों से बहुत सारे राइट्स छीने गए थे बिकॉज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। वुमेन हैड टू फाइट अ वेरी लॉन्ग बैटल अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। टुडे इन लिटरल सेंस वुमेन आर रनिंग द वर्ल्ड जस्ट लाइक मेन, but in recent times there has been a lot of pressure on women to be a superwoman. She is not just expected to balance but excel at both work and family life, leaving her exhausted, guilty and hardly any time for self-care. They say one of the most important work of our life is within the four walls of our house, that is raising our children. There is a difference between children growing up and children being raised, and a mother plays a very important role in that. Not because she is a female. Femininity is more than a gender. It is a quality which fosters compassion, kindness and nurturing. और ये quality naturally औरतों में ज़्यादा होती है। Now if you do like working for long hours away from your family, I am nothing but happy for you. After all, we all have the right to pursue our passion as we see fit. But if you are someone who would love to have financial independence while working from home and raising your children, I have an excellent opportunity for you to become a mompreneur. I started my own business when I was 17. I was far away from being a mom, but I always knew that I wanted to be a stay-at-home mom while achieving my dreams. I'm working from home for last 22 years. My husband quit his well-paid job in US and joined my business 10 years ago. We are full-time parents and we are building a community of full-time parents. To know more, join this very special session. All the details are shared below and I welcome you all to our community of mompreneurs.